चलो देखते हैं विटामिन डी के बारे में। बाकी की विटामिन की तरह विटामिन डी भी एक हार्मोन की तरह काम करता है जो सारे सेल्स के एक रिसेप्टर के साथ मिलके काम करता है। आपकी बॉडी विटामिन डी कब बनाता है? जब आपकी बॉडी सन के साथ एक्सपोज हो जाती है तो विटामिन डी बनता है। ये विटामिन डी कुछ फूड्स में भी पाए जाते हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश प्रोडक्ट्स यानी कि नॉन वेज प्रोडक्ट्स। लेकिन आज तो देखेंगे तो बहुत सारे लोग इंडिया में वेज है यानी वो नॉन वेज खाते नहीं है। साथ साथ अभी दो महीने से श्रावण भी चालू है तो आपको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? और ऐसे माना जाता है कि विटामिन डी जो खाने से भी मिलती है वो भी कम मिलता है। रोज की मात्रा विटामिन डी की 400 से 800 IU होनी चाहिए। रिसर्च 2011 में पाया गया कि 41% लोगों में विटामिन डी की कमियां हैं। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर है जिसके वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकती है। अगर आपकी त्वचा सावली है, अगर आप बुजुर्ग है, आपका वजन ज्यादा है, आप ओबेस है, आप अगर नॉनवेज फिश या डेयरी नहीं खाते या आप इक्वेटर से दूर रहते हैं और बहुत सारे लोगों को सनस्क्रीन लगाने की आदत है, अगर आप सनस्क्रीन यूज करते हैं तो सावधान। आज लोगों का इंडिया में शुरू क्या हुआ है, घर से कार, कार से ऑफिस, ऑफिस से कार, कार से घर, यानी सूरज का दर्शन ही नहीं। चलो हम लोग देखते हैं 9 साइंस और सिम्टम्स विटामिन डी डेफिशिएंसी का। गेटिंग सिक और इन्फेक्टेड ऑफन, घड़ी घड़ी आप बीमार पड़ रहे या आपको इन्फेक्शन हो रहा है, आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन, फ्लू हो रहा है, वायरल अटैक हो रहा है, अगर आप घड़ी घड़ी ये आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको समझना है कि आपका विटामिन डी लो हो गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, सर्दी हो, फ्लू हो, बुखार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सर मुझे जल्दी से इंजेक्शन दीजिए, मंडे को जॉब पे जाना है, मंडे पे काम पे जाना है, और बस इंजेक्शन लेते हैं और आप काम पे आ जाते हैं। लेकिन जो रूट कॉज है विटामिन डी लो है उसकी ट्रीटमेंट होती नहीं है, इसीलिए हम घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन घड़ी घड़ी होता है जैसे कि सर्दी है, ब्रोंकाइटिस है और निमोनिया है। इनमें 80% लोगों में पाया गया है कि विटामिन डी कम है। बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि विटामिन डी अगर सप्लीमेंट करते हैं तो यानी कि 400 IU ये इसमें ये प्रमाण में अगर आप सप्लीमेंट करते हो तो आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जल्द से जल्द दूर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है फटीग एंड टायर्डनेस, यानी दिन भर आप थकान महसूस करते हैं। स्पेशली महिलाओं में ये देखा गया है कि वो दिन भर थकान महसूस करते हैं, उनका सर में दर्द होता है, उनमें विटामिन डी जब चेक किया तो 5.9 ये रेशियो से आया, और जब उन्हें विटामिन डी के डोसेस दिए गए तो ये सारे प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व हो गए और कुछ ही दिनों में उनका विटामिन डी स्कोर हो गया 39 ng/ml और उनके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए। एक मजेदार रिसर्च आपको बताता हूं जो शहीद बेसिस हॉस्पिटल ईरान में हुआ, उसमें यह पाया गया कि 89% जो नर्सेस थे उनमें विटामिन डी लो था और वो खुद टायर्डनेस और फटीग के शिकार थे, और जैसे कि उनको विटामिन डी के हेवी डोज देने लगे तब उनका फटीग और टायर्डनेस थकान पूरी तरह गया। तीसरा पॉइंट, बोन एंड बैक पेन, अगर आपके हड्डियों में दर्द होगा या आपके कमर में दर्द होगा तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपके बॉडी में विटामिन डी कम हो गया है। और विटामिन डी कम होने के कारण आपको तो पता ही है, कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी हड्डियां कमजोर रहेंगे। हड्डियों में दर्द और कमर दर्द ये एक साइन होता है कि आपके बॉडी में विटामिन डी कम हो गया है। फोर्थ पॉइंट है डिप्रेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मूड नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बैठा हुआ था मैं, राइट, डिप्रेस था, लो फीलिंग कर रहे थे, तो इसका भी एक रिलेशन हो सकता है विटामिन डी के ऊपर। एक स्टडी हुआ था जिसमें यह पाया गया कि 65% लोग जो डिप्रेशन के शिकार है उनमें विटामिन डी कम मात्रा में पाई गई। पांचवा पॉइंट है इंपॉवर्ड वाउंड हीलिंग, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, यानी कि आपके जो जख्म है वो धीरे से भर रहे हैं,
जल्द में भर रहे नहीं है, तो आपको चेक करना होगा विटामिन डी कि बहुत सारे लोगों में ऐसे पाया गया है जिनकी विटामिन डी लेवल लो रहेंगे तो जख्म जल्दी भरते नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, और ये सूजन को अगर ठीक करना है, हीलिंग करना है, तो आपको विटामिन डी की जरूरत होती है। छठवां पॉइंट है बोन लॉस। विटामिन डी, ये सभी को पता है कि विटामिन डी अगर आपके बॉडी में कम रहेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों में जब डायग्नोस किया बोन लॉस के लिए, तब ऐसा पाया गया कि उनमें कैल्शियम लेवल कम है, और वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ विटामिन डी। अब ये लो लेवल ऑफ मिनरल डेंसिटी होती है, बोन डेंसिटी टेस्ट होती है, उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरे मिनरल्स लॉस हुए हैं, वो क्यों हुए? बिकॉज ऑफ विटामिन डी। तो इसलिए आपका अगर बोन्स आपको पक्के करने हैं तो आपको विटामिन डी की मात्रा अपने बॉडी में बढ़ानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डायबिटीज एंड विटामिन डी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके घर में, आपके बाजू में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में डायबिटीज लोग आपको मिलेंगे, उनको भी ये एजुकेट करो, उनको भी ये मेरा वीडियो शेयर करो, उनको भी ये बताइए। आप शुगर लेवल चेक करते हैं, लेकिन क्या आपने विटामिन डी लेवल चेक किया था क्या? उसमें से 95% लोग, मैं बोलता हूँ, बोलेंगे नहीं, डॉक्टर ने कभी हमें बोला भी नहीं था। क्यों बोला नहीं था? सिर्फ डॉक्टर ये जानते हैं कि शुगर जब बढ़ गया तो शुगर कम करो, लेकिन आपको पता नहीं होगा, जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके विटामिन डी लेवल कम है तो आपके जो पेंक्रियाज है, उसके जो रिसेप्टर है, वो काम करना बंद हो जाते हैं, या वो लो काम करते हैं, काम नहीं करते हैं, उसलिए आपके बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर आपकी शुगर की मात्रा को आपको कंट्रोल में रखना है, तो आपको जो शुगर टेस्ट करते हैं, साथ ही साथ आपको विटामिन डी की भी टेस्ट करनी होगी। एवरी 2 महीने में आपको टेस्ट करनी होगी, और आज ही आप टेस्ट कीजिए, और अगर कम हो तो आपको उसके ऊपर उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हेयर लॉस। बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे बोलेंगे, अरे अभी तो हम पॉइंट पे आ गए, क्योंकि आजकल बाल गिरने की समस्या तो बढ़ गई है। जनरली कॉमन प्रॉब्लम क्या है हेयर लॉस का? वो है स्ट्रेस। उसके लिए आपको ध्यान देना है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो सकती है आपके बॉडी में, आयरन की मात्रा, आपकी प्रोटीन की मात्रा भी आपके बॉडी में कम हुई रहेगी, साथ साथ सल्फर की मात्रा भी आपके बॉडी में कम हुई रहेगी, लेकिन लो विटामिन डी, इसका भी एक रिलेशन है आपके हेयर लॉस के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को ने देखा होगा, एलोपेशिया एरेटा होता है, जो एक ऑटोइम्यून डिसीज है, इस प्रकार से बाल बीच बीच में से गिर जाते हैं, 1 रुपए के कॉइन इतने छोटे छोटे पैचेस आते हैं, और वहां बाल उगते नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। आपकी प्रतिकार शक्ति आपके बालों की जो जड़ है उसके ऊपर हल्ला कर रही है, उसको नेस्तनाबूत कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज। और ये भी रिलेटेड हो सकता है विटामिन डी के वजह से। आपके बॉडी में विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो एलोपेशिया एरेटे आपको होना ही है। सो सिर्फ बाहरी ट्रीटमेंट आप मत कीजिए, आपको विटामिन डी भी चेक करना होगा। और कई कारण हो सकते हैं बाल गिरने के लिए, उसके लिए हमारे पास भी बहुत से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास रोज भी नहीं गिर रहे, आप हमें लिखिए वो कैसा काम करेगा, आपको हम बताएंगे। हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, हमारे पास स्पिरुलिना है, जो आपके बालों की हेल्थ के लिए भी काम करेगा। तो आप कमेंट्स में डालिए या हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो इम्यून डिसीज। जैसे मैंने अभी बताया था, ऑटो इम्यून डिसीज यानी आपकी प्रतिकार शक्ति आप पे हल्ला कर रही है, आपको निस्तनाबूत कर रही है। अगर वो नसों में है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा, अगर आपके ज्वाइंट में है तो रूमाटॉइड आर्थराइटिस होगा, स्किन में है तो सोरायसिस होगा, थायराइड को अटैक करेंगे तो थायराइड होगा, वैसे क्रोन्स डिसीज में भी है, और जानकर आपको हैरानी होगी डायबिटीज। जी हाँ, टाइप 1 डायबिटीज 8 से 10 दिन में एक बच्चा या कोई भी बुजुर्ग, ज्यादा करके बच्चों में पाया जाता है टाइप 1 डायबिटीज, 8 दिनों में वो डायबिटीज बन जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, विटामिन डी हमारे बॉडी में कैसा इफेक्ट कर सकता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी नहीं रहेगा
तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब ये वीडियो देखते समय आप अलग अलग डिसीज के नाम हम जो ले रहे थे, तब आपको किसी दोस्त का, किसी फ्रेंड्स का या कोई अपने घर का याद आई रहेगी। जैसे किसी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, किसी को किसी के बाल गिर रहे हैं, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर से उसकी जिंदगी बन सकती है, उसको नई जिंदगी दे सकती है। तो ऐसे कहते हैं ना, जो चीज़ हमें बहुत मिलती है उसके हमें कीमत नहीं होती है। जब मई अप्रैल में बहुत सारा सूरज था, तो हम घर बैठे हुए सूरज नहीं ले रहे हैं। उसके बाद अभी एक महीने से करीबन बारिश ही बारिश है, कहाँ सूरज, 15-20 दिन एक महीना हुआ दिखाई नहीं दिया है, तो हमें सूरज चाहिए। तो इसी को कहते हैं इंसान, ह्यूमन नेचर। जिस जो ज़्यादा मिला है उसकी हम कीमत नहीं करते। हवा ज़्यादा मिली, हवा को हम लोग प्रदूषित करते हैं। पानी मिला, पानी को भी हम लोग यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं। तो ये जो गलतियां हम कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी गलती हमें नहीं करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विटामिन डी लेवल आप कैसे बढ़ा सकते हैं। एक मुझे आपको बताना है, जो अभी नॉनवेज खा रहे हैं, किस कारणवश आप बंद कर रहे हैं, तो आप बंद मत कीजिए। बहुत सारे लोग वो किसी धर्मगुरु बाबा के साथ जुड़ते हैं और फिर उन्होंने बताया कि हमें नॉनवेज अभी नहीं खाना चाहिए और वो खाना बंद कर देते हैं। तो उसके वजह से मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है, उनको बहुत सारे बॉडी में पेन, बॉडी पेन भी होता है। तो अगर आप फिश खा रहे हैं, आप नॉन वेजिटेरियन है, तो आप वो कंटिन्यू रखिए, वो बंद मत कीजिए। सेकंड, जिंक की मात्रा आपके बॉडी में आपको बढ़ाना है। नॉर्मली जिंक की मात्रा हमें मिलती थी, क्यों? क्योंकि हमारे घर में पीतल के बर्तन होते थे और पीतल के बर्तन में जिंक और कॉपर दोनों होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपर के वेसल में गर्म करते हैं, बर्तन में पानी गर्म करते हैं, लेकिन ज्यादा कॉपर हो गया तो जिंक कम होता है, और जिंक कम हो गया तो विटामिन डी कन्वर्ट नहीं होता है विटामिन डी थ्री में। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां आप क्लिक कीजिए। वो भी एक इंफॉर्मेशन वीडियो अच्छा है कि आपका विटामिन डी बढ़े कैसे। अभी आपको क्या करना है, तुरंत आपको अगर इतने सिम्टम्स रहेंगे तो आपके डॉक्टर के पास जाके आपको उसको इंसिस्ट करना है कि मुझे विटामिन डी के टेस्ट आप लिखवा दीजिए। और वो लिखने के बाद जब आपका टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगा, और जिस प्रकार से ये जो टेबल है इसमें अगर आपका विटामिन डी लो दिख रहा होगा, तो वही डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा। और जब आप ट्रीटमेंट से ये सारे प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे, तब आप मुझे थैंक्स बोलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, और कौन से प्रकार के आपको वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं वैसे वीडियोस आपको दूंगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना मत भूलिए, नहीं तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही एक हॉट टॉपिक में लेके आऊंगा, बस मुझे आपका साथ चाहिए।